हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। अभी बजे हैं सुबह के 5 और आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर व्हाइटफील्ड से वायनाड के लिए। सो वायनाड जो है वो बैंगलोर से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स है और ये एक रोड ट्रिप होने वाली है। तो चलिए फिर निकलते हैं अभी वायनाड के लिए और आगे आपको सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। तो चलिए चलते हैं। सो अभी हमने क्रॉस किया है नाइस रोड का टोल। अभी हम लोग एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं और अभी है बिदादी में और वहाँ की खट्टे इडली बहुत फेमस है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर किए। देखिए सामने कितनी भीड़ लगी हुई है, इडली खा के। ये प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं है बट यहाँ की फेमस है, तो इसलिए हम लोग इडली ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर अभी चाय पी के फिर निकलेंगे आगे। तो ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रामनगरा, जहाँ पर शोले की शूटिंग हुई थी मूवी में, रामगढ़ के नाम से आपको याद होगा। ये एरिया है रामनगरा, इसको क्रॉस करके फिर निकलते हैं आगे। सो ये एक और टोल आ गया है और यहाँ लिखा है वेलकम टू केरला बॉर्डर। सो आई थिंक हम लोग केरला में एंट्री कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं थोड़ा हल्का होने के लिए और अभी हमारा आधा रास्ता कवर हो चुका है और आधा रास्ता बाकी है। तो मैसूर एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद अब ये हमारी बंदीपुर वाली रोड स्टार्ट हो गई है। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं उडुपी वेज में और काफ़ी देर के बाद मिला है एक्चुअली ये वाला रेस्टोरेंट। अब फिर बस खा के और फिर निकलते हैं आगे बंदीपुर के लिए। सो हम लोग यहाँ पर रुके थे उडुपी वेज और ब्रेकफास्ट के भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अभी 9:30 ही बजे हैं बट ज़्यादा ऑप्शन नहीं है खाने के, बट ठीक है। अभी यहाँ से हमारा बंदीपुर बचा है 40 किलोमीटर्स है अप्रॉक्स और वायनाड का है टोटल 80 किलोमीटर्स। तो बस ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। चलो फिर चलते हैं। सो अभी हम ये हैं बंदीपुर के चेक पोस्ट पर। अभी यहाँ पर कुछ टिकट लगेगा आई थिंक, देखते हैं कितने का टिकट है। 50 है। अभी ये भैया आएंगे गाड़ी की तरफ तब पता चलेगा। 20 में बस 10 का है। 100 तो 20 रुपीस का ये टिकट है यहाँ पर बंदीपुर चेक पोस्ट पे। अब बढ़ते हैं आगे और देखना शुरू करते हैं कुछ, अगर कोई एनिमल दिखता है तो। बंदीपुर में सिर्फ मंकी दिखाई दे रहे हैं हमको इस समय। ये देखिए कोई भी एनिमल नहीं दिखाया इतनी देर से हम लोग देख रहे हैं। और अब दिख गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा इधर जंगल में, एक भी एनिमल नहीं दिख रहा है। Thank you.
करीब 150 मीटर की ये ऐसी वाली रोड है बस। ये आ गए हम सिल्वर ग्रीन में। बुकिंग बुकिंग सर इधर चक्कर ना कर, तो ऊपर है पार्किंग है, नीचे पार्किंग नहीं है, नीचे पूरा काम करना क्या पार्किंग क्या ऊपर है, ऊपर रूम का ऊपर से है, रूम उधर चेकिंग करना क्या वो बीच में चेकिंग करना क्या। एंड वेयर इज रूम, रूम का है, रूम का है पूरा। अच्छा देन पार्किंग के लिए बैक जाना है। हां बाइक ही जाना का लेफ्ट साइड। ओके और वो प्रीमियम विला का है वो ऊपर ही है। ऊपर चेक इन आया, चेक इन सर अंदर जाता ना, ये पूरा काम करना क्या नहीं, चेक इन यहाँ करना है, ये रिसेप्शन है के अंदर। ठीक है पहले यहाँ खड़ी कर देते ना। रिसेप्शन कहाँ पर है? रिसेप्शन वही है। तो ये जो बोर्ड है सिल्वर ग्रीन, वहाँ से जाना है रिसेप्शन पे चेक इन के लिए, और पार्किंग इधर ये साइड है इन लोग का, और रूम्स भी इधर ही बता रहे हैं ना भैया। हाँ ऊपर उधर ये रूम्स बता रहे हैं। तो पहले अभी हम लोग चल रहे हैं चेक इन के लिए। थैंक यू भैया। और हम लोग यहाँ पर दिसंबर में आए हैं, तो थोड़ा बहुत क्रिसमस का भी डेकोरेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि रेंडियर है, आई थिंक इसमें रात को लाइट वाइट कुछ तो चलेगी, ऐसा कुछ होगा। तो हमने चेक इन कर लिया है सिल्वर ग्रीन्स में, और ये रहा हमारा वेलकम ड्रिंक। थैंक यू भैया, चीयर्स। पहले बैठ जाओ। सो अब क्विकली हम आपको अपने एक रूम टूर करा देते हैं। तो हमारा है ये ग्रीन विला, और बाहर से ऐसा दिखता है। अब एंट्री करते हैं अंदर। सो एंट्री करते ही ये दो चेयर्स हैं यहाँ पर, एक्चुअली एक्स्ट्रा का सिटिंग स्पेस है यहाँ पर। ये है हमारे रूम की एंट्री, आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस रूम है। यहाँ पर भी सिटिंग दी हुई है, देन एक किंग साइज बेड है, और ये पूरा यहाँ पर टेबल, एक फ्रिज दिया हुआ है यहाँ पर, और ये सामने ये कबर्ड्स हैं। तो अच्छा खासा स्पेस है इसमें। उसके बाद ये है वॉशरूम, अच्छा स्पेशियस वॉशरूम है। अब चलते हैं इस रूम की सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखाने के लिए। ये आपने देख लिया यहाँ पर, ये टेबल वगैरह यहाँ पर प्रॉपर्ली दिया हुआ है, और ये एक एसी रूम है। नाउ कमिंग टू द बालकनी। सो ये है बालकनी, वाओ। यहाँ पर भी हमारे पास सिटिंग स्पेस है, और ये देखिए बालकनी से ये व्यू है हमारे पास, सो ब्यूटीफुल। सो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है बनासुरा सागर डैम है ये एक्चुअली, तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ही है बनासुरा डैम, तो वहाँ पर भी जाएंगे। अभी के लिए मैंने आपको पूरा रूम दिखा दिया है, बहुत अच्छा रूम है, स्पेशियस है, साफ़ सुथरा है एकदम। हम मिलते हैं फिर आपसे लंच पे, बिकॉज अभी लंच का ही टाइम हो गया है, तो अब आपसे लंच पे मिलते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं सिल्वर ग्रीन्स के रेस्टोरेंट के अंदर, अभी लंच टाइम है, और देखते हैं लंच में क्या मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा बड़ा प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें सेपरेट बनाई हुई हैं, रेस्टोरेंट है या फिर इन
लोग का किचन है, विलास का अलग है, रूम्स का अलग सेपरेट किया हुआ है इन्होंने सारा, देन चिल्ड्रंस प्ले एरिया वगैरह, पूल है, वो सब चीज़ें अलग हैं। तो ये अभी हम लोग आए हैं लंच के लिए, ये है इनका रेस्टोरेंट। सो ये है जो लंच हमने ऑर्डर किया है, चपाती, दाल, मिक्स वेज, ये है सारा खाना। अब हम लोग खा के और फिर हम आगे का प्लान आप लोग को बताते हैं। अभी हम आए हैं मेन मुट्टी वाटरफॉल है यहाँ पर, और एक फोटो पॉइंट भी है। तो ये उसकी चार्जेस हैं, एंट्रेंस फ़ी 50 रुपीज़ और कैमरा की फ़ी 54 रुपीज़ है अलग से, यहाँ से आपको टिकट मिलेगा। ऐसे सीधे निकल जाएंगे तो वो वाला पॉइंट है, फ़ोटो का जो भी पॉइंट है, और फिर ऐसे इधर से ही वापस राइट से चले जाएंगे तो वाटरफॉल है, और यहाँ पर जगह जगह पार्किंग्स बनी हुई हैं, तो पार्किंग आप कहीं पे भी लगा के और फिर जा सकते हैं। तो वाटरफॉल तक जाने के लिए हाफ किलोमीटर का वॉक है, उसके बाद में आगे फिर वाटरफॉल है। अरे एंट्रेंस में तो पार्किंग डाल लो कहीं ना, अरे कहीं ना। तो फ्रेंड्स ये है मेन मुट्टी वाटरफॉल्स, और हमने वहाँ से टिकट लिया था, एंट्रेंस टिकट, और एंट्रेंस टिकट लेने के बाद में करीब 400 मीटर्स तक आपको चल के आना है, और उसके बाद ये है मेन मुट्टी वाटरफॉल्स। तो देख सकते हैं आप, पानी झरने की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है। तो ये वाटरफॉल है, और मौसम भी इस वक्त अच्छा बना हुआ है, और टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 9 बजे से और दोपहर में 3:30 बजे तक यहाँ पर एंट्रेंस टिकट आपको मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और कैमरा के लिए किसी भी टाइप का कैमरा हो, चाहे वो फ़ोन कैमरा है या फिर कोई भी अलग से कैमरा है, उसके लिए 54 रुपीज़ का अलग से टिकट है। तो ये कुछ डिटेल्स आप नोट कर सकते हैं। मेन मुट्टी वाटरफॉल्स हमने देख लिया है, फ़ोटो क्लिक करा लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं। ये है वायनाड का स्पाइस प्लांटेशन, ये देखिए बनासुरा स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन, ये पूरा का पूरा मैप है, और ये है वो एरिया जहाँ पर ये स्पाइस प्लांटेशन स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या बताते हैं ये लोग, आई थिंक कुछ गार्डन वॉक ऐसा कुछ रहेगा, देखते हैं। सो हम लोग आए हैं वायनाड के स्पाइस प्लांटेशन में, और ये हमारे साथ हैं, ये सर बताएंगे अभी इसके बारे में। बैंगलोर से। यस, योर नेम? प्रियंका। यू? सुलभ। अश्वनी। मेरा नाम साजी। ये गार्डन का स्पेशलिटी स्पाइसेस गार्डन है, ऑर्गेनिक स्पाइसेस मेडिसिन सब प्रोसेस करने का पौधे इसके अंदर। ओके, ये लेडीज शू फ्लावर देखा पहले, लेडीज शू फ्लावर ऑर्नामेंट डेकोरेशन फ्लावर है। ओके, डेकोरेशन फ्लावर। ये मधुनाशिनी पौधा, मधुनाशिनी डायबिटीज कंट्रोल मेडिसिन शुगर। ओके, मधुनाशिनी पौधा, इसका मेडिसिन इधर आउटलेट में लास्ट मिलेगा, डायबिटीज कंट्रोल में पैनक्रियास स्टिमुलेट होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करने का मेडिसिन बना रहे। ये काली मिर्ची ब्लैक पेपर ऊपर देखा, ब्लैक पेपर। ये नीचे लगा हुआ नहीं है कहीं पर, ब्लैक पेपर आगे देखो। ओके, ये बर्ड ऑफ पैराडाइज, बर्ड ऑफ पैराडाइज ऑर्नामेंट डेकोरेशन फ्लावर, डेकोरेशन है ये भी।
सैंडल वुड चंदन रेड सैंडल वुड है। ओ ये चंदन चंदन का है। ये रबर ट्री है, रबर ट्री। सो ये रबर ट्री है और दिस इज हाउ दे कलर। इसके वैनिला पाउडर है, वैनिला एसएनएस। ओके आइसक्रीम में यूज कर रहे हैं। ये जायफल का जब ये फ्रूट है, जायफल का फ्रूट है अंदर है ना। ये लग रहा है जैसे काजू। हाँ ये वाला लौंग लगी क्लो वाले ना। हाँ हाँ लौंग का पौधा। ये लौंग का पेड़ है भाई। ये रूट में पूरा इलायची, इलायची कार्डम मटेरियल रूट में ना। अच्छा ये इलायची, ये इलायची है। हाँ ये भी हल्दी हाँ, टर्मरिक का है। नीचे होता है, रूट में होता है। अच्छा। ये वाला ये वाला अंडरग्राउंड में रूट होते हैं, निकाल के सुखा करके पाउडर बना इसके रूट में रहता है। जैसे जैसे प्लांट जॉइंट पेन बैक पेन नी पेन के लिए तेल बना रहे। ओके इन लीव्स का लीफ का रूट एक ही पौधा नहीं है, मेडिसिन में 5-6 पौधा मिक्स है। सर्वांग तेल बोलते हैं, सर्वांग तेल। ओके कैसा हो गया है ना। और दोबारा खोलना होगा, अपने आप हो जाएंगे। पाइनएप्पल पाइनएप्पल से बाद में होता है, फ्रूट होता है। This is bamboo. Bamboo. Handicraft बनते हैं। Bamboo. Bamboo. ये last outlet है। आपको सारा medicine चाहिए वो मिलेगा, spices चाहिए मिलेगा, chocolate सब कुछ है। देखो कुछ चाहिए पत्ते। Thank you so much भैया। Okay. कुछ product चाहिए आपको? अभी देखते हैं आके। तो ये था पूरा स्पाइस प्लांटेशन और काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सारी तरीके की इन लोग के पास में मेडिसिन है। ये पूरा ये गार्डन वाला अच्छी क्वालिटी है। इसमें कोई छोटा पीस नहीं, छोटा 100 ग्राम का। हाँ छोटा वाला, इसका भी छोटा। क्या रेट है भैया इसका? लिखा सेम प्राइस 190 का। ये कितना है? और ये 100 है, 100 ग्राम है। ये बंद सैंडल वुड है, चंदन। ये क्या काम होता है? पूजा। और ये 100 रुपीस का है, ये भी 100 ग्राम से 100 रुपीस का है। इसके लिए इलायची का क्या रेट है? पेस्ट पैक पेस्ट का पैसा कुछ है आपको? कौन सी मेडिसिन के लिए? मेडिसिन है ये गैस सब्सिडी, गैस के लिए छोड़ रहा हूँ। सो ये सब अवेलेबल है पानी में डाल के पीना बस पाउडर। ये सब सैंपल्स हैं, अगर स्मेल करना है या कुछ टेस्ट करना है तो ये सब सैंपल्स भी अवेलेबल हैं। सैंपल बाकी आप ऐसे लूज भी ले सकते हैं। और वो पैक दिखाना जो भी पैक, कौन सा एक जो आपने 540 कौन सा वो पैक दिखाया था ना, ये चॉकलेट। हाँ ये स्पाइसेस का ये पैकेट भी ले सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, ये 540 का पूरा पैकेट है, सब कुछ है। मॉर्निंग कैंडी है, जिंजर कैंडी। सो फ्रेंड्स ये था स्पाइस गार्डन और आई वुड से इज अ मस्ट विजिट प्लेस। काफ़ी अच्छा है प्लांटेशन, बहुत अच्छे से वो नॉलेज शेयर करते हैं सारे स्पाइसेस के बारे में और जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह हैं, जो भी प्लांट्स जो भी लगे हो उन सब के बारे में बहुत अच्छे से वो लोग शेयर करते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं और हमने कुछ स्पाइसेस भी परचेज कर लिए हैं, अब हम चलते हैं। ये है लाइव बनाना चिप्स की शॉप है यहाँ पर ये, और काफ़ी सारी वेराइटी है इनके पास में चिप्स की, और ये एकदम हॉट अंदर से बन के आ रहे हैं और टेस्ट कराने के लिए भी अवेलेबल हैं। दिस करेला बहुत ही सारी वैरायटी है और रेट इन्होंने बताया, ये जो सिंपल बनाना चिप्स जो रहते हैं ये 300 के 1 kg हैं,
जो कि अपने बैंगलोर में 500 के मिलते हैं एक केजी, तो आधा किलो तो मिनिमम लेना ही चाहिए। तो इन्होंने हमें प्रोवाइड कराया यहाँ पे दिखाने के लिए, ये हॉट ऑयल है और यहाँ पे ये लोग ये फ्रेशली बेक कर रहे हैं ये सारे चिप्स, तो हैंड टू हैंड इन लोग के बिक जाते हैं सारे चिप्स, इसलिए ये कढ़ाई हमेशा ऑन ही रहती है। और ये इनका पैकेजिंग का है, ये यहाँ पे सब फ्रेशली ये सब पैक्ड होता है। और अभी हमने गरम गरम टेस्ट करके देखा तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो ये वाली शॉप आप याद रख सकते हैं, लाइव, एक सेकेंड, नाम क्या था, लाइव बनाना चिप्स, ये शॉप आप याद रख सकते हैं। ये स्पाइस प्लांटेशन से जस्ट ऊपर आने के बाद टाइम हुआ है शाम के 7 और अब हमारे रिजॉर्ट में कैंप फायर स्टार्ट हो गई है, सो लेट्स एंजॉय। तो ये अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, अभी रात के 9 बजे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये है डैम व्यू रेस्टोरेंट और हम लोग को यहाँ पे आज किसी ने सजेस्ट किया था कि डैम व्यू रेस्टोरेंट में आप डिनर के लिए जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। बट ऑनेस्टली हमने खाना खाया और हमें उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इस रेस्टोरेंट के लिए। फिर भी मतलब एवरेज है खाना, उतना मज़ा नहीं आया मेरे को, तो आप देख सकते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट्स काफ़ी कम है यहाँ पर, या तो फिर आप अपने रिजॉर्ट में ही खा लीजिए, या फिर अगर आप बाहर से रेस्टोरेंट देख रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट डैम व्यू। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे और 9:30 तक है ब्रेकफास्ट, तो देखते हैं क्या क्या है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बानासुरा डैम के लिए। तो सिल्वर ग्रीन रिजॉर्ट से जो बानासुरा डैम है वो अप्रॉक्स 4 किलोमीटर है, तो बस 10-15 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने के लिए। और अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम आए हैं बानासुरा सागर डैम पे और ये पार्किंग है यहाँ की। तो डैम के लिए जो टिकट है वो है ये, वीडियोग्राफी के लिए 1000 रुपीज़ है। ओके, सो ये है यहाँ के टिकट्स। चलिए अब चलते हैं अंदर। सो डैम तक जाने के लिए यहाँ पर वैन भी जाती है और ये वैन का टिकट काउंटर है, 25 रुपये में आने और जाने दोनों का है। सो ये इस वैन में बिठा के और ऊपर तक ले जाता है, तो आप ट्रैकिंग से बच जाएंगे, आपको ट्रैक करके नहीं जाना पड़ेगा, ये सीधा आपको वहाँ ऊपर डैम पे ले जाके छोड़ेंगे।
ये है बानासुरा डैम और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं, पूरा एकदम लश ग्रीनरी, बहुत सुंदर लग रहा है, किसी भी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा है ये व्यू सामने। और पीछे माउंटेन्स हैं, आप देख सकते हो कितना मिस्ट है, पूरा ऊपर से वाइट वाइट हुआ पड़ा है, तो फोटोज़ में उतना नहीं पता चल रहा है बट बहुत ही अच्छा है। अभी टाइम हुआ है, दोपहर के 3 बजे हैं और अब हम वायनाड से वापस जा रहे हैं बैंगलोर। तो ये था हमारा वायनाड का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उसको, ताकि सब लोग अपना ट्रिप प्लान कर सकें अकॉर्डिंगली। तो वायनाड का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।